आराम से पीछे गिर जाओगे नीचे। आप लोग क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी से आज आए हैं? जन्मदिन की शुभकामनाएं सर, आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं सब लोग आज उन्हीं के साथ जन्मदिन मना रहे हैं। सर से सब जन्मदिन मना रहे हैं जो हम जिंदगी भर अपने बच्चों के लिए कर सके। हमें रोजगार दिया आपने, हमें पक्का और कर दीजिए। ठीक है, सही है। मुख्यमंत्री की यही सादगी दिखाई देती है। आज मैंने तय किया कि मैं जन्मदिन के दिन मैं भी सफाई करूंगा। गीला कचरा, सूखा कचरा ये अलग अलग डिब्बों में रखना, डस्टबिन में रखना और निर्धारित गाड़ी में हम डालें। अपने प्रधानमंत्री जी और मैं आपसे प्रार्थना चाहता हूं कि स्वच्छ भारत अगर हमको बनाना है, भोपाल स्वच्छ करना है, तो हमारे इन सफाई कर्मियों को तो मैं प्रणाम करता हूं जो दिन और रात सारी गंदगी हटा के हमारी गलियों को, हमारे मोहल्ले को साफ रखते। तक नागरिकों का हमारा सहयोग, तब तक स्वच्छता अभियान सफल नहीं होगा। और राज्य अलग अलग शहर में गाँव में भी ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सब अपने घर को स्वच्छ रखे, मोहल्ले को साफ रखे। अपना शहर साफ होगा तो और बीमार होते तो कितना पैसा हमारा खर्चा हो जाता है दवाई पे, इलाज पर, शरीर को कितना खर्च होता। और इसलिए हम अपने घर को स्वच्छ रखें, मोहल्ले को स्वच्छ रखें। और स्वच्छ का मतलब ये नहीं कि अपने घर का कचरा पड़ोसी के घर वाले को हटाए। कई बार रहता है कि अपना तो हटा भी बढ़िया मतलब निर्धारित डिब्बे में रखना और फिर निर्धारित वाहन में डालना।
और देखो भोपाल को इंदौर की तरह स्वच्छता में नंबर एक बनाना है। इंदौर और जनता कर रही है भोपाल की जनता, ताकि हम बोल तो लेंगे उनको साफ रख सके। आज मोहल्ले में मैं आया तो दो बहनों ने बिजली के बिल की समस्या बताई, वो चिंता न करे, समस्या का मैं समाधान भी कर दूंगा। क्योंकि तो अपनी तो गरीबों की सरकार, अपनी सरकार गरीबों की सरकार, हर साल जब जन्मदिन हो या बच्चों का जन्मदिन हो या पांचवी वर्षगांठ हो, तो मनाने का सबसे अच्छा तरीका ईद जरूर मनाना। देखो ये हमें भी नहीं कि देते इसमें बढ़ावा देते ऑक्सीजन देते, जो ऑक्सीजन देते उस ऑक्सीजन से हम जिंदा रहते, तो जितनी ऑक्सीजन हम दे रहे कम से कम उसका तो पेड़ लगा दो, लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। मैं तो रोज एक लगा रहा हूँ, बता रहे कि मैं रोज लगा रहा हूँ। बच्चों की शादी हो जाए तो उसमें पेड़ लगाए, और अपनी भी बड़ों का हजार शादी की प्यार करने का इससे क्या बढ़िया तरीका जो पति पत्नी दो पेड़ लगा दे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।